सारे छात्र पढ़ाई करते हैं ताकि वो अपने भविष्य में सफल हो सके। ज्यादा खिचावट होती है कि हम सरकारी नौकरी लें, लेकिन सभी लोग यह चीज जानते हैं कि आजकल सरकारी नौकरियों में भी एज क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि आप इतने वर्ष के अगर हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो एक बात बताइए, ज्यादातर जॉब जो होता है बैचलर डिग्री के बाद ही होता है, तो अगर बच्चा 21 वर्ष का में अथी स्नातक कंप्लीट ना करके 27 वर्ष में स्नातक कंप्लीट करेगा तो क्या वो किसी सरकारी नौकरी के लिए योग्य होगा? नहीं होगा। तो हम सभी का भविष्य जो है बिहार विश्वविद्यालय अधर में झोंकने का काम कर रहा है, और वहाँ का जो परीक्षा नियंत्रक है संजय कुमार, वो कुंभकर्ण की भांति सोए हुए हैं। शायद उनको यह याद नहीं है कि जिन छात्रों का उन्होंने नामांकन लिया है उनका परीक्षा कराने की भी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय की है। में जिन छात्रों का स्नातक में नामांकन हुआ था उनका भी ना प्रथम, वो भी अभी प्रथम पार्ट में ही है। 17-2020 में जिसका नामांकन हुआ वो भी फर्स्ट ईयर में है, और आज से 17-2021 और 24 के नामांकन शुरू है वो भी पार्ट वन में है। समस्या यह है कि हम लोग का अगर कोई भी कोर्स जिसका समय है अगर 3 साल का बीए करने का, वो कम से कम मिनिमम लगता है तो 5 साल लगता है। अब आप ही बताइए, कोई बीपीएससी का तैयारी करना चाहता हो, यूपीएससी का तैयारी करना चाहता हो, उसमें बीए करना जरूरी है, अनिवार्य रहता है। अब वो कोई किस शर्त पे करेगा? वो अपना भविष्य देखा होगा कि हाँ 3 साल में बीए करके अपना अप्लाई करेंगे बीपीएससी के लिए। हमारी समस्या है कि हमारा 3 साल होने वाला है 2022 में, और अब तक एक भी एग्जाम नहीं लिया गया है। अब हम लोग का 3 साल का एक भी एग्जाम नहीं, एक भी नहीं, अब तक डेट भी नहीं आया है कि हम लोग का फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम होगा। 2022 में हम लोग का लास्ट होने वाला है। अब 3 साल का कोर्स हम लोग को लग रहा है 6 साल या 7 साल में बूढ़े हो जाएंगे लोग, हम लोग का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। प्लीज़ हमारे विश्वविद्यालय से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे एग्ज़ाम को करवाएं, और नहीं हो रहा है तो कम से कम पास भी करवा सकते हैं।